जम्मू में हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने 24 आवर्स टुडे न्यूज की टीम से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। केंद्र सरकार ने एक ऐसा, मैं समझता हूँ, प्रूव करके और खास तौर पे पाकिस्तान लगातार से, आप पिछले कई हमारे नेताओं के बयान सुनिए, हमारे पार्टी के जम्मू कश्मीर में इंक्लूडिंग मी आप बयान सुने, पाकिस्तान लगातार से यहाँ फंडिंग करता है और फंडिंग इन लोगों के माध्यम से नीचे, इन्हीं सेपरेटिस्ट के माध्यम से, इन्हीं अलगाववादियों के माध्यम से नीचे स्टोर पैटर्स तक पहुंचती है। नीचे जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, ओचीडब्ल्यू होते हैं, उनके तक उनके पास पहुंचती है। तो मैं समझता हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जहां इस तरीके का वातावरण बना है, कल मैं कश्मीर में था लेकिन कश्मीर में बंद होने के बावजूद बंद नहीं था और आम जनता ने इसके प्रति, मैं समझता हूँ, सहमति जताई है। सिविल सोसाइटी के ध्यान में ये आया है कि ये लोग वहां का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की शह पर एक आम जनता के दिमाग में ये बात आई है कि पाकिस्तान से फंडिंग लेकर पाकिस्तान की शह पर हमारे नौजवान बच्चों को खराब करने की जो कोशिश वो कर रहे थे, मैं समझता हूँ आज सिविल सोसाइटी उठकर सामने आई है। आज वहां वातावरण बिल्कुल सही है, किसी को भी, मैं समझता हूँ, मात्र उनके 2-4-5 लोग होंगे जिन्हें कोई मलाल होगा कि उनके आका जो है वो पकड़ लिए गए हैं और खासतौर पर शमीर शाह का भी ईडीआई द्वारा पकड़ा जाना अपने आप में ये बताता है, दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा संचालित जो सरकार है वो अपने काम कर रही है और कानून के दायरे में रहकर हम लोग चाहते हैं कि उनको सजा दे। वो नहीं है, ऐसा है कि परसों हम लोग श्रीनगर में थे, कश्मीर में थे, हम लोग कश्मीर में एक मीटिंग थी जो सुबह से लेकर शाम तक और रात्रि 10 बजे हम लोग फ्री हुए थे। राइट फ्रॉम द मॉर्निंग 10 to 10 12 घंटे उन्होंने काम किया था। उनकी तबीयत उस दिन भी खराब थी जो मेरे ध्यान में आया है। मैंने भी कल कोशिश की थी उनका हाल जानने की लेकिन मेरे ध्यान में आया है कि उनकी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब किसी वक्त किसी की भी हो सकती है, मुझे जो मेरे ध्यान में है क्योंकि तबीयत उस दिन भी खराब थी। उसके बावजूद उन्होंने 10-12 घंटे की जो मीटिंग थी लगातार से सभी विधायकों को सुना, सभी ब्यूरोक्रेट्स को सुना था, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा। आपको लगता है कि अभी गिरफ्तारियों के बाद हालात थोड़े फर्क पड़ेगा? आप पिछला इतिहास देख लीजिए, पिछला साल का समय देख लीजिए, उससे एक साल पीछे देखिए और उससे एक साल पीछे देखिए, जस्ट मे के कंपेरिजन अर्थात जुलाई मंथ, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हालात में बहुत, हाँ ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटे छोटे छुटपुट घटनाएं जो है कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण तौर पे, और मैं लगातार 4 दिन कश्मीर में था, जिस दिन उनको पकड़ा गया उस दिन भी मैं कश्मीर में था, वहां किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक जो थी रोज की तरह चल रही थी, मेजोरिटी दुकानें भी खुली थी लेकिन मेन मार्केट में हो सकता है जिस दिन बंद रहा था उस दिन दुकानें बंद हो, लेकिन किसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आज वातावरण वहां पे अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की सोच थी कि गठबंधन सरकार बनने के बाद यहाँ पर शांति बहाली होगी।